Hello guys, hello guys, 1, 2, 3. Nope. Hello guys, welcome back to Stamictron Gaming channel. And आज मैं दिखाने जा रहा हूँ NVIDIA control panel का best FPS boost settings. और गाइस तो हम लोग आ चुके डेस्कटॉप में. हम लोग डेस्कटॉप में राइट क्लिक करिए, उसके बाद अगर एनवीडिया कंट्रोल दिख जाए तो सही है, उस पर क्लिक करना होगा. अगर नहीं दिखे तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाइए, जाके लिखना है एनवीडिया कंट्रोल पैनल. आ गया था एनवीडिया कंट्रोल पैनल, और कैप्स में लिखना होगा शायद. तो यहाँ से बस गेट ऑप्शन आएगा, बस गेट डाल दीजिए, डाउनलोड हो जाएगा. और नहीं तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट से मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में. यहाँ से बस राइट क्लिक कीजिए, उसको खोलिए एनवीडिया कंट्रोल पैनल को. ओके, ये ऐसा दिखेगा खुलने के बाद, एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा. आपको लाइक फर्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पे आएगा, तो इसको स्किप करना है, ये बाद में हम लोग चेंज करेंगे. ये जैसा है इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाइए. यहाँ पे इमेज शार्पनिंग जो है उसको जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, कोई नो इश्यूज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि शार्पनिंग गेम के अंदर से भी होता है, मेनली मैं यहाँ से पर्सनली नहीं यूज़ करता हूँ. ऑक्यूलेशन, एम्बियन ऑक्यूलेशन जो है उसको ऑफ रहने दीजिए, नो इश्यूज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी यहाँ पे जो एनिसोट्रॉपिक फिल्टरिंग है, ये करता है क्या, इसको टेक्सचर को क्रिस्पी बनाता है. जितना मतलब क्रिस्पी है उसको बहुत जीपीयू लेगा, क्रिस्पी बनाएगा. तो इसको मतलब एप्लीकेशन से भी कंट्रोल ना हो ऐसा कर दीजिए और बंद कर दीजिए, मेनली FPS के लिए. देखो गाइस मैं बता रहा हूँ, ये जो सेटिंग्स हैं ये मेनली FPS के बेस्ड हैं. इफ़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज FPS देन गो फॉर इट, अदरवाइज अगर कोई सिनेमैटिक मतलब स्टोरी मोड खेलना है या ग्राफिक्स के ऊपर गेम खेलना है तो डिफ़ॉल्ट पे रख के खेल सकते हैं. अगर मेन प्रायोरिटी FPS है तो ये सेटिंग्स करना बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें FPS आता है, क्वालिटी थोड़ा सा डिग्रेड हो सकता है कभी कभी गेम पे, लेकिन निकलेजेबल है, नहीं दिखाई देगा, समझ में नहीं आएगा. तो FX AA इसको लेके ये जो ऑफ है इसको ऑफ रहने दीजिए, क्योंकि इसको कुछ भी करोगे गेम अजीब से दिखेगा. गामा करेक्शन ऑन रखिए, क्योंकि गामा करेक्शन चाहिए होता है. जैसे ये सेटिंग्स चारों तीनों ऑफ, इसको ऑन कर लीजिए. एंटी अलियासिंग मोड जो है उसको एप्लीकेशन कंट्रोल रहने दीजिए, क्योंकि हर एक गेम का अलग अलग एंटी अलियासिंग वो होता है, आपके हिसाब से वो सेट कर सकते हैं. अगर यहाँ से फिक्स कर दिया तो गेम के अंदर से चेंज नहीं भी हो सकता है, ठीक है. तो उसको एप्लीकेशन कंट्रोल छोड़ दीजिए. ट्रांसपेरेंसी इसको ऑफ रहने दीजिए, ये नहीं चाहिए. कूडा कोर्स, कूडा कोर्स हम लोगों को ऑल चाहिए, ऑल कूडा कोर्स, उस पर ऑल पे करिए और इसको टिक कर दीजिए. अगर टिक नहीं है तो टिक कर दीजिए. DSR फैक्टर होता है कि अपस्केल करने के लिए, अगर अपस्केल करना है GPU को तो मान लो कि 2x करना है, मतलब 2x मतलब 2K, मान लो 4x मतलब 4K, तो यहाँ से सिलेक्ट करके ओके करके अपस्केल कर सकते हैं अपने 1080 मॉनिटर को. 2K का रेजोल्यूशन दे सकते हैं और GPU पे परफॉर्मेंस गिरेगा, लेकिन दे सकते हैं. यहाँ पे हो गया, ये हो गया DSR फैक्टर. अभी लो लेटेंसी मोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको करना होगा अल्ट्रा. इसमें होता है क्या, मेनली इसमें होता है कि FPS जब गिरता है, मान लो 80-60 चला गया, तो उसके बाद मान लो आपका आता है नॉर्मली 100+, तब वो जल्दी जल्दी पुश कर देगा GPU को. तो मान लो कि 60 गया है FPS, ड्रॉप हुआ है, तो उसको पुश करके जल्दी जल्दी 100 या 120 जितना आता है उतना तक पुश कर देगा. तो इसका अल्ट्रा बेस्ट होता है. यहाँ पे मैक्सिमम फ्रेम रेट इट्स अप टू यू गाइस, मतलब इसको लॉक कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. तो मैं पर्सनली लॉक करके रखता हूँ, मेरा 144Hz का मॉनिटर है, तो मैं 144 पे फिक्स कर देता हूँ इसको, तो कैप कर देता हूँ, उसके ऊपर FPS नहीं जाएगा. और नहीं जाएगा तो मतलब थोड़ा GPU को लोड कम पड़ेगा.
मल्टी सैम्पल फ्रेम ये डिटेल के लिए होता है मेनली, आसान भाषा में डिटेल के लिए इसको ऑफ ही रहने दें, मतलब FPS गेम पे इतना डिटेल नहीं ज़रूरी होता। ओपन जी एल रेंडरिंग इसको GPU पे भी कर सकते हैं, मैं पर्सनली ऑटो सिलेक्ट पर रहने, मतलब मेरे को अच्छा लगता है ऑटो सिलेक्ट पे, थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है मे बी, तो मैं ऑटो सिलेक्ट पर रखता हूँ। पावर मैनेजमेंट मोड ये इम्पोर्टेंट है, इसको एडेप्टिव रखना बहुत सही होता है, क्योंकि एडेप्टिव में पावर यूजेज कम होता है जब आइडल पे है, जब GPU आइडल पे है तब पावर यूजेज कम होता है, और जब मैक्सिमम मतलब उसके अपने हिसाब से वो पावर को लेगा GPU, तो एडेप्टिव इसके लिए बेस्ट होता है। हर एक वीडियो में मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं कि मैक्सिमम पावर मैक्सिमम परफॉर्मेंस ये प्रेफर मैक्सिमम परफॉर्मेंस ये रखने बोलता है, लेकिन मैं पर्सनली ये यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि जैसे पावर तो बहुत ही लेते हैं, GPU हीट होता है, और मान लो बेकार में इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें ज़्यादा यूज़ होता है, GPU हीट होता है, तो ये एक एडेप्टिव बेस्ट है, मतलब बेस्ट मेरे को FPS के उसमें भी सेम बहुत सही मिलता है, और इसमें FPS बहुत कम मिलता है, आई डोंट नो बहुत जनों को मिलता है। एंड उसके बाद है रिफ्रेश रेट, तो इसको एप्लीकेशन कंट्रोल छोड़ दीजिए, इसमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका मॉनिटर इधर से सेट करना होगा, बाद में दिखा रहा हूँ, तो ये एप्लीकेशन कंट्रोल छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। शेडर कैसे ये जो जो भी है इसको छोड़ दीजिए। अभी टेक्सचर फिल्टरिंग, अब जो टेक्सचर फिल्टरिंग है इसको क्वालिटी पे सबसे बेस्ट FPS मिलता है मेरे को, और मेरा फ्रेंड लोगों को जिन लोगों को मैं टेस्ट कराया ये सेटिंग्स, उन लोगों को क्वालिटी पे बेस्ट आता है। लोग बोलते हैं कि हाई परफॉर्मेंस पे जाओ, हाई परफॉर्मेंस पे होता है कि CPU पे लोड पड़ता है, अगर इफ़ यू हैव ए गुड GPU देन गो फॉर क्वालिटी। देखो इसमें क्या होता है, लोड जितना भी होता है GPU पे पड़ता है, CPU पे नहीं होता है। हाई परफॉर्मेंस मतलब लोड थोड़ा CPU में जाएगा, मतलब ज़्यादातर CPU में जाएगा, तो CPU मैं उतना सही नहीं आता है, मतलब FPS तो क्वालिटी पे बेस्ट होता है, मैंने देखा है ये। और ट्रिनियल अभी थ्रेडेड ऑप्टिमाइजेशन जो है इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि ये थ्रेडेड ऑप्टिमाइजेशन जो है ये सीपीयूज का कोड को आई थिंक यूज़ करता है, तो उसको ऑन कर दीजिए, ऑटो से अच्छा इसको ऑन कर दीजिए, ये सीपीयू को थोड़ा बहुत लोड लेता है ऑप्टिमाइज करने के लिए। बाकी है वी सिंक, इसको ऑफ कर दीजिए बस, अभी यहाँ का मेनली मेन सेटिंग्स हो गया है, तो ये सेटिंग्स चेंज करने के बाद सारा सेटिंग्स देख लीजिए, सेटिंग्स चेंज करने के बाद ये अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए, बस डन हो गया, अप्लाई हो गया। उसके बाद कॉन्फ़िग सराउंड पे आना है, यहाँ पे प्रोसेसर लिखा होगा, फिजिक्स PHY ASX सेटिंग्स, इसको CPU से GPU कर दीजिए अगर ऑटो सेलेक्ट किया कुछ भी है, तो GPU पे NVIDIA अपन जो भी GPU है उस पर क्लिक करके, नाम पे क्लिक करके सेव अप्लाई आएगा, अप्लाई कर दीजिए बस। अभी उसके बाद रेजोल्यूशन पे जाना होगा, यहाँ पे अपना हाईएस्ट जो रेजोल्यूशन है वो सिलेक्ट कर लीजिए, रिफ्रेश रेट जो हाईएस्ट है वो अवेलेबल हाईएस्ट जो है वो अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे यूज़ एनवीडिया ये ऐसा होगा डिफ़ॉल्ट होगा, इसको बस यूज़ एनवीडिया कलर सेटिंग्स कर दीजिए, उसके बाद अप्लाई कर दीजिए। ओके उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट डेस्कटॉप कलर सेटिंग्स आएगा, उधर ऐसा रहेगा बंद रहेगा ये, यूज़ एनवीडिया सेटिंग्स कर दीजिए। और गामा अगर गेम का बहुत ब्लैक्स ब्लैक मतलब घर के अंदर बहुत डार्क दिख रहा है, तो गामा थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते, मैंने जाएगी 1.11 रखा है, उस करके अप्लाई कर दीजिए यहाँ से। बाद एडजस्ट डिस्प्ले साइज एंड पोजिशन पर आ जाइए, और अगर फुल स्क्रीन या कुछ भी है यहाँ से नो स्केल कर दीजिए, नो स्केल, और परफॉर्म स्केल ऑन इसको डिस्प्ले ये सब से हटा के GPU कर दीजिए, GPU पे बेस्ट आता है। अगर कोई इशू आ रहा है इसमें, इशू आना नहीं चाहिए, तो डिस्प्ले भी करके देख सकते हैं, किसी किसी का डिस्प्ले भी अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, किसी किसी को GPU पे अच्छा मिलता है, तो GPU पे मेरे को पर्सनली अच्छा मिलता है।
अगर अपना मतलब अगर मेनली आपका जीपीयू अगर अच्छा है तो जीपीयू को सिलेक्ट कर दीजिए, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रेजोल्यूशन ऐसे देख लीजिए, रिफ्रेश मेक श्योर कि हाईएस्ट हो, जितना भी 60, 75 या 144 जो भी, उसका अप्लाई कर दीजिए बस। उसके बाद हो गया यहाँ पे काम। तो गाइस वीडियो कैसा लगा एक बार बताइए कमेंट में, और सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो तो चैनल पे, एंड बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। एंड दैट्स इट।